सीएम मनोहर लाल खट्टर के आदेश के बाद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग पूरी तरह से हरकत में है। गुरुग्राम से सरस्वती कुंज में 15,000 अवैध झुग्गियों को पूरी तरह से हटा दिया गया है, तो वहीं अब गुरुग्राम में ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई डीटीपी विभाग की तरफ से शुरू कर दी गई है। अवैध रूप से रजिस्टर्ड सोसाइटी या फार्म हाउस बताकर लोगों को जमीन बेच रहे हैं। इस तरह से अवैध गतिविधियों के चलते हरियाणा सरकार को रिवेन्यू का भी बड़ा नुकसान हो रहा है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा सरकार की तरफ से तमाम ऐसी योजनाएं लेकर आई जिससे कि आम जनता को फायदा हो सके, लेकिन कुछ लोग मोटा मुनाफा कमाने के अवैध रूप से इस तरह की गतिविधियों को चला रहे हैं। अब इसी पर कार्रवाई करते हुए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की है और इसी कड़ी में सोहना के सदर थाना में डीटीपी की शिकायत पर मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। गोल्ड किश्त कंपनी के मालिक हरिदास गुप्ता के खिलाफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की तरफ से शिकायत देकर मामला दर्ज कराया गया। इस पूरे मामले को लेकर डीटीपी ने हरिदास गुप्ता समेत उनकी पत्नी व उनके साले के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया गया है। दरअसल हरिदास गुप्ता ने लोगों को फार्म हाउस की जमीन रजिस्टर्ड बताकर एग्रीकल्चर लैंड बेच डाली। लोगों को इस बारे में जब मालूम हुआ तो उसके बाद डीटीपी डिपार्टमेंट की तरफ से अब मुकदमा दर्ज कराया गया है। ये हमारे साथ तो बहुत मेजर धोखा हुआ है, क्योंकि अपने आप को सिंगापुर के बड़े रिस्पेक्टेड रेप्यूटेड डेवलपर बता के हरिदास गुप्ता जी, इन्होंने कंपनी है गोल्ड किस्ट के नाम से, जिसके नाम से इन्होंने हमें ब्रोशर और कैटलॉग दिखा के इन्होंने हमारे को फार्म हाउस की पूरी स्कीम बेची। समझाया कि जी हम बड़े क्लियर लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। हमने उस धोखा के अंदर में आके फंस गए हम इनके साथ और हमने वहाँ पे फार्म ले लिया, हमने लिया और बड़े सारे लोगों ने वहाँ पे लिया। लेकिन उसके बाद जब डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया और वहाँ पे तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी तो हमें समझ नहीं आएगी हमारे साथ क्या हुआ। फिर हमने जाके डीटीपी को कंप्लेंट करी कि हमने कहा जी आप देखो वहाँ पे पूरी सड़कें बना के, पाम ट्रीज लगा के, लाइटें वगैरह लगा के, सारी चीज़ करके इन्होंने हमारे को रजिस्ट्रियाँ करी हैं। रजिस्ट्री में इन्होंने पूरा हमारे को सड़कों का नक्शा और सारी चीज़ करके इन्होंने करके बताया है और उसके बाद आप लोगों का एक्शन है। तो हम तो यही चाहते हैं कि पुलिस प्रॉपर एक्शन ले, डिपार्टमेंट पूरा इसके ऊपर में अपना शिकंजा कसे ताकि कोई भी और जना इनकी इन तरह के षड्यंत्रों के अंदर में ना फंसे और जैसे हम भुगत रहे हैं वैसे ना भुगते। हमारी डिपार्टमेंट से यही रिक्वेस्ट है। गुरुग्राम के सोहना रोड, सोहना, भोंडसी, मारुति कुंज, फरुख नगर, पटौदी, पंचगांव समेत गुरुग्राम के अलग अलग जगह पर डीटीपी विभाग के द्वारा ऐसी लिस्ट तैयार की गई है जहां ये लोग अवैध रूप से फार्म हाउस और लोगों को जमीन बेच रहे हैं। सोहना में गोल्ड किस्ट के मालिक हरिदास गुप्ता के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज करा दी गई है। इसमें बड़े स्तर पर लोगों को फार्म हाउस रजिस्टर्ड जमीन बताकर बेचे गए हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से जिला प्रशासन को साफ निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी भी तरह से इस तरह की कोई भी गतिविधि यदि शहर के अंदर नजर आती है तो उसे फौरन और तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए। देखिए ऐसे है, सोना डेवलपमेंट प्लान में किरंकी गांव और ऐसे कुछ गांव थे जहां पर फार्म हाउसेस इलीगली डेवलप हो रहे थे, तो हमने पीछे 150-200 एकड़ पर कार्रवाई की थी और उसके बाद जो है जिस बंदे ने वो काटे और आगे काट कर लोगों को फार्म हाउस बनाने के लिए बेचे उनके अगेंस्ट हमने मामला दर्ज करवाया। और फार्म हाउसेस क्योंकि इलीगली डेवलप थे और हमारे एक्ट 1975 की वायलेशन थी, उस एक्ट में प्रावधान में करवाया। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के द्वारा तैयार की गई लिस्ट के बाद अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। डीटीपी ने साफ कह दिया है कि तोड़फोड़ के बाद अब ऐसे लोग जो अवैध तरीके से कॉलोनी बसा रहे हैं या फिर फार्म हाउस काट रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसी तरह से एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। गुरुग्राम से टोटल न्यूज के लिए करण जयसिंह की रिपोर्ट।